अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुल्फे का साग और दाल, जो बहुत मज़े का और यमी बनता है। हमने कुल्फे के साग को अच्छी तरह से धो लिया और इस तरह से इसके पत्ते अलहदा से कर लिए, और दाल हमने बॉयल कर ली थी, चने की दाल हमने ली है, जो हमने ये देखे हमने बॉयल कर ली है। तो अब हम आपके साथ शेयर करते हैं आगे की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने लिया प्याज, छोटी बारीक हमने इस तरह कट कर लिया, 3 अदद लिया हमने टमाटर, 1 हमने टीस्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि हमने पीस लिया है, और अब हमने लिए हैं हरा धनिया और मिर्चें। अब जो हमने मसाले लिए हैं वो अब हम आपसे शेयर करते हैं। हमने लिए हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने लिया नमक, 1.5 टीस्पून लिया हमने हल्दी, 1 टीस्पून में हमने काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिए है सूखा धनिया और 1 टीस्पून हमने लिया नमक। आप हंसवे जाकर डाल सकते हैं। अब हमने पतीली लिया, पतीली में हमने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हमने ऑयल डाला, उसमें हमने प्याज अपने थोड़ा सा हल्के से हमने सोते कर लेंगे, और उसमें साथ ही हमने जो कि हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने सोते करने के बाद हम इसे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड किया और हल्का सा हम इसे ब्राउन कर लेंगे। हमने ज़्यादा ब्राउन इसे नहीं करना, हमने लाइट बिल्कुल हल्का सा ब्राउन कर लेना है, और इसमें हमने जो कि हमने टमाटर लिए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारे कप की हद तक लाइट ब्राउन हो चुके हैं, और हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद जो कि हमने अपने मसाले लिए हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि वो भी अच्छे से हल्के से भुनाई कर लेंगे। इसे हल्का सा चम्मच हिलाने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 घूंट जितना हम लोग इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा मसाला जल ना जाए इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे, और जो हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। ये देखें हमारे कम टमाटर सा काफ़ी हद तक हमारी मसाला रेडी है, ग्रेवी हमारी तरह तैयार हो गई है। और अब हम इसमें जो हमने कुल्फे का साग लिया वो हम इसमें डाल के और इसे चम्मच से हिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद जो कि हमने दाल ली है, तकरीबन हमने दाल ली थी 1/2 पाव, वो हमने इसमें ऐड कर लेनी है, वो हम अब इसको उसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 1/2 पाव हमने आपको इस तरह से बता दें कि 1 हमने छोटी प्याली ली है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा दाल नहीं ली, क्योंकि हमारा 1 किलो कुल्फे का साग था इसलिए हमने 1/2 प्याली इसमें दाल ली है, 1 प्याली हमने दाल ली है जो कि हमने इसमें मिक्स कर लिया है। और इसे अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन हमने 20 मिनट ढक्कन लगाया था। ये देखिए कुल्फे का साग अपना पानी खुद से छोड़ दिया उसने, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, ये खुद से छोड़ देता है पानी, और इसमें ही हमारा कुल्फे का साग अच्छी तरह से गल जाएगा, क्योंकि हम अगर इसमें पानी डालेंगे वो टेस्ट नहीं रहता जो कि इसके अपना पानी में जो गलता है उसका जो टेस्ट होता है। ये अभी हमारा पानी था, हम इसे पानी को अच्छी तरह से खुश कर लेंगे, और हमारा काफ़ी हद तक ये पानी खुश्क हो चुका है और हमारा साग भी गल चुका है। अब इसमें हमने हरी मिर्ची जो ली हैं वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये देखिए पानी अभी हमारा है जो कि हमने इसे अच्छे से खुश करना है। हमारा काफ़ी हद तक ये देखिए कुल्फे का साग रेडी है। ये देखें अब हमारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है, ये देखें घी भी निकल रहा है हल्का हल्का सा। अब हम आपको मज़ीद दिखाते हैं, जब हमारा ये देखें काफ़ी है, अब हमारा बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हमने जो कि आपको दिखाते हैं, ये देखें कितना मज़े का और यमी बना, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और दुआओं में याद रखें। आई होप गाइस आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये हमने बनाई थी रमज़ान शरीफ से पहले, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने शेयर नहीं किया।